भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। चार मैचों की टेस्ट सीरीज अभी भी 1-1 से बराबर है। ब्रिस्बेन में निर्णायक टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया मुश्किल में है। बुमराह पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिस्बेन में नेट पर बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल के हाथ में चोट लगी। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की पीठ की जकड़न की समस्या बढ़ गई, जिससे भारत के पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं। टीम इंडिया में पहले से ही मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर बाहर हैं। अब टीम इंडिया के सामने मुश्किल है कि किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरेगी। रोहित और गिल चौथे टेस्ट के लिए एकदम फिट हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर उतरेंगे। सिडनी में खेले गए पिछले टेस्ट मैच में पुजारा ने फॉर्म में वापसी की है। टीम इंडिया के कप्तान यानी अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। रहाणे ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। ऋषभ पंत इस मैच में प्योर बैट्समैन के तौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। पिछले मैच में सिडनी के मैदान पर ऋषभ पंत ने 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। हनुमा विहारी के चोटिल होने के कारण पृथ्वी शॉ को नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। वहीं रिद्धिमान साहा बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। ऋषभ पंत की तुलना में रिद्धिमान साहा की विकेट कीपिंग अच्छी है। गेंदबाजी की बात करें तो सिडनी टेस्ट के अंतिम दिन 3.5 घंटे बल्लेबाजी के बाद रविचंद्रन अश्विन की पीठ की जकड़न की समस्या बढ़ गई, जिससे भारत के पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं। लेकिन उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज के इस निर्णायक मैच में अश्विन खेलेंगे। साथ ही साथ तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज अगुवाई करते नजर आएंगे और उनके साथ शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन की आखिरी टेस्ट में खेलने की उम्मीदें हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।